नमस्कार, जय जय सियाराम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत, यह एक ऐसा व्रत है जिसको कर लेने मात्र से संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, यह भगवान व्यास का वचन है जो भीमसेन के लिए कहा गया है। भगवान व्यास कहते हैं कि एकादश्यान्न भुंजित पक्षयोरुभयोरपि, अर्थात दोनों पक्ष की एकादशियों में न भुंजित भोजन नहीं करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। तब भीमसेन जी जो हैं कंपितो अश्वत्थ पत्रवत व्यासस्य वचनं श्रुत्वा, भगवान व्यास का वचन सुनकर भीमसेन जी पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। व्यास जी से कहते हैं कि मैं एक बार भी भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो फिर मैं एकादशी का उपवास कैसे करूँ? ऐसा कोई उपाय हो तो आप मुझे बतलाइए कि मुझे भूखा न रहना पड़े और एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाए। तब व्यास जी कहते हैं, वृषस्थे मिथुनस्थे वा शुक्ला ही एकादशी भवेत, ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोपोस्या जलवर्जिता। अर्थात वृष राशि अथवा मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका प्रयत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए, इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। इस दिन आचमन और कुल्ला करने के अलावा किसी भी प्रकार से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, गंडूषाचमन वार्ये वर्जयित्वोदकं बुधः उपभुञ्जित नैवेह व्रतभंगोऽन्यथा भवेत्। अगर आचमन करने के अलावा जल ग्रहण करते हैं तो वह जल मदिरा के समान होता है। तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापान समं भवेत्। अगर आचमन से अधिक जल पिया जाए अथवा आचमन में ही कम जल पिया जाए तो वह जल मदिरा के समान हो जाता है और वह व्रत भी भंग हो जाता है। तो इसलिए जो है निर्जला एकादशी के दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जल का परित्याग कब से करें और कब तक करें, तो इस विषय में भी व्यास जी आगे कहते हैं, उदयादुदयम् यावत् वर्जयित्वा तथोदकम् अप्रयत्नादवाप्नोते द्वादश द्वादशी फलम्। अर्थात एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ना पीवे तो बिना प्रयत्न के ही संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रमाण के अनुसार एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जलपान नहीं करना चाहिए। आगे व्यास जी कहते हैं, प्रभाते विमले जाते द्वादश्याम स्नानमाचरेत। अर्थात दूसरे दिन द्वादशी में अंधकार समाप्ति होने पर स्नान करे और जल दान करे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें। अगर भोजन के लिए ब्राह्मण उपलब्ध ना हो पाए तो ब्राह्मणों को सूखे अन्न का दान करें और इसके बाद द्वादशी में भोजन करें। इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत में और भी विधान आता है कि इसमें जल दान करना चाहिए, कुंभ दान मटके का दान करना चाहिए, छत्र दान करना चाहिए, छत्र अर्थात छाता का दान करना चाहिए, उपानह दान करना चाहिए, उपानह अर्थात जूता चप्पल का दान करना चाहिए। इस प्रकार से दान की भी विधि बतलाई गई है। तो जो भी मनुष्य संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहता है और वह भी बिना एकादशी का व्रत किए, तो उस मनुष्य को विधि पूर्वक इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित अगर आपका कोई
प्रश्न है, संशय है अथवा सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।